जनपद हापुड़ की गढ़मुक्तेश्वर कोतवाली परिसर में मंगलवार को क्षेत्राधिकारी गढ़मुक्तेश्वर स्तुति सिंह ने विभिन्न गांवों के प्रधानों और चौकीदारों के साथ एक बैठक की। बैठक में सीओ स्तुति सिंह ने कहा कि सभी लोग अपने अपने क्षेत्रों में सतर्क रहें। मौसम बदलने के साथ ही सर्दी के दिनों में कोहरा होने से अपराध की घटनाएँ भी बढ़ने की संभावना रहती है। ऐसे में किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी मिलने पर तुरंत पुलिस को मामले से अवगत कराएँ। बैठक में गढ़मुक्तेश्वर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक अभिनव पंडीर भी मौजूद रहे। सीओ स्तुति सिंह का कहना है कि अपराध को नियंत्रण में करने के लिए पुलिस का सहयोग करें। यदि किसी भी क्षेत्र में गैर कानूनी कार्य चल रहा है तो तुरंत पुलिस को मामले की जानकारी दें। शांति व्यवस्था स्थापित करने के उद्देश्य से आयोजित इस बैठक में सीओ ने सभी को जरूरी दिशा निर्देश दिए और ग्राम प्रधानों चौकीदारों से सहयोग मांगा। सीओ का कहना है कि यदि कोई संदिग्ध व्यक्ति गांव में नजर आए तो देर किए बिना पुलिस को मामले की सूचना दें। बैठक में ग्राम प्रधान राशिद चौधरी, गुड्डू प्रधान, नौजर अनवर, नवरतन सिंह, दीपेंद्र मणि त्यागी, फारूक प्रधान, हेमंत शर्मा, नितेश पंडित, विनय मिश्रा आदि उपस्थित रहे। ठीक है, और भी आप लोग कुछ बताना चाहें? किसी कोई और इस बारे में? सरकारी कैमरे से किसी काम में हुआ नहीं, जमा दिया सरकारी नहीं, प्राइवेट प्राइवेट लगे तो प्रधान जी के सारे और कितने कैमरे हमारे अपने आप में कैमरा लगा है, इससे चोरों के मन में अपने आप एक डर आ रहा है।